हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं पैलोग्राम्स। तो पैलोग्राम जानने से पहले हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझें। तो क्वाड्रिलेटरल वो ज्योमेट्रिक फिगर है जिसकी चार साइड्स होती हैं और वो चार साइड मिलकर एक क्लोज फिगर बनाती है, ठीक है। मतलब ये चारों साइड से बंद होता है, ठीक। और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैलोग्राम की। तो पैलोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, दोनों की दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो और दोनों की दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हो और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेलोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं ताकि उसको हम पैरेलोग्राम कह सकें, ठीक है। तो यहां पे हमने कुछ कंडीशंस मेंशन की हैं, तो इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो उसको हम पैरेलोग्राम कहेंगे, ठीक। तो पहली कंडीशन देखते हैं, बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने वाली साइड्स जो हो वो पैरेलल हो दोनों तरफ, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो हम उसको पैरेलोग्राम कहेंगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो भी हम उसको पैरेलोग्राम कहेंगे। अगली कंडीशन देखते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो तो भी उसको हम पैरेलोग्राम कहेंगे, ठीक। अगली कंडीशन देखते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जैसे ये आपस में बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल, तो हम इसको भी पैरेलोग्राम कहेंगे। अगली कंडीशन देखते हैं, वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही तरफ की साइड्स आपस में बराबर भी हो और पैरेलल भी हो तब भी हम उसको पैरेलोग्राम कहेंगे। तो अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, तो अगर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो भी हम उन्हें पैरेलोग्राम कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल हो गए आमने सामने वाले एंगल, कोई भी दो आमने सामने वाले एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको हम पैरेलोग्राम कहेंगे। तो अब बात करते हैं, पैरेलोग्राम्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में। तो स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल जो है ये सबके सब पैरेलोग्राम्स ही हैं, लेकिन इनके पास पैरेलोग्राम के अलावा अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इनको अपने पर्टिकुलर नाम मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर वो पैरेलोग्राम है जिसके अपने अपोजिट साइड सारी की सारी इक्वल होती हैं, ठीक, और इसके डायगोनल्स जो हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, और ये जो डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक, और इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सबके सब 90 डिग्रीज पे होते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल वो पैरेलोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, इसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज पे होते हैं और जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है। लेकिन इसके जो डायगोनल्स होंगे वो 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्रीज पे नहीं करते। अब बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस वो पैरेलोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, लेकिन इसके एंगल्स 90 पे नहीं होते और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और ये 90 डिग्रीज पे भी होंगे, डायगोनल्स जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जिसके बेसिस पे हम पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, इसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक, तो पैरेलोग्राम की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं,
रेक्टेंगल की भी नहीं होती है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं सारी की सारी। ऐसे ही अगर आप दूसरा वेक्टर देखें तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो सबके सब में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, पैरेलोग्राम में भी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। ठीक, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो सारे के सारे एंगल इक्वल होने की बात कर रहे हैं अगला जो फैक्टर है उसमें, तो पैरेललोग्राम में सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में सारे इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी सारे इक्वल होते हैं और रोम्बस में सारे इक्वल नहीं होते। बात करते हैं अगले फैक्टर की जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में सारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल इक्वल होते हैं अपोजिट वाले, स्क्वायर और रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, अगले फैक्टर पे चलते हैं, तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, इस फैक्टर पे देखते हैं इन सबको। तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं आपस में, रेक्टेंगल की भी करती हैं, स्क्वायर की भी करती हैं और रोम्बस की भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं अगले फैक्टर पे जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो अगल बगल वाले जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री किस किस में होता है, तो ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब में होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके लास्ट फैक्टर की, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल्स किस किस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो पैरेललोग्राम्स में डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते एक दूसरे के, रेक्टेंगल में भी नहीं होते, स्क्वायर और रोम्बस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।